प्रोग्राम ख़त्म करके हम लोग सब घर आ गए थे और मैं दी के सास और दी के मासी सास को भी मैं लेके आई थी। और यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था, पहले मैंने साड़ी चेंज कर लिया था बट मैंने मेकअप या फिर मेरा हेयर स्टाइल जो है वो सब अभी भी चेंज नहीं किया, क्योंकि एक बार मैं रात में मैं करूँगी इसीलिए। तो सब लोग मिलके मैंने फिर से नीचे गद्दी बिछा दिया है, सब लोग मिलकर आराम से बात कर पाएंगे। तो नीचे थोड़ी देर हम लोग बैठे थे, फिर हम लोग ऊपर आ गए थे एक घंटे के बाद और यहाँ पे बात कर रहे थे। और आप सोचोगे कि यहाँ पे दी ताई जी भाभी ये लोग कहाँ है, तो ये लोग गए थे विशाल में, क्योंकि जलपाईगुड़ी मेरे भाभी और मेरे ताई जी पहली बार आए थे तो उन लोगों को घूमना था बट आज तो नहीं हो पाया, तो इसलिए वो लोग विशाल गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि वो लोग क्या क्या लाए हैं और क्या क्या ख़रीदारी किए थे वही। और सब लोग फिर मिल के हम लोग बैठ गए थे, चाय वगैरह पीना हो गया था। तो उसके बाद सभी लोग, जो मेन चीज़ है आफ्टर प्रोग्राम गिफ्ट्स देखना, तो सब लोग मिल के यहाँ पे हम लोग गिफ्ट्स देखेंगे। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि आपके ससुराल वाले तो कोई नहीं है, तो जेठानी नहीं था इस टाइम पे और मेरे सासू माँ ऊपर नहीं आ सकते हैं इसीलिए। तो मैं बाद में उनको सब कुछ दिखाती हूँ, भैया लोगों को भी सब लोगों को सब कुछ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पहले ऊपर में जो लोग हैं ना, तब सब लोग मिल के बैठ गए थे देखने के लिए। और विहान को था, विहान को कुछ गिफ्ट्स चाहिए, विहान ने सोचा था कि सारे गिफ्ट्स उनके लिए है, तो मैंने बोला कि तुम खोल लो, जो भी तुमको पसंद आए तुम ले लो। फिर वो खोल रहा था, ओपन कर रहा था, इसमें भी टॉय नहीं है, इसमें भी टॉय नहीं है, तो उसको टॉय चाहिए था। फिर लास्ट में जब उसको कुछ नहीं मिला, फिर वो मतलब थोड़ा सा नाराज़ होकर चला गया कि एक भी टॉय नहीं था। तो वो सोच रहा था कि गिफ्ट्स जो है ना, गिफ्ट्स उसके लिए है। बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग में, मॉर्निंग नहीं दोपहर की टाइम है। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था और अभी ताई जी भाभी एंड बाबाई वो लोग चले जाने वाले थे और यहाँ पे मैं उन लोगों को लंच करवा रही थी। लंच अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था क्योंकि वो लोग 1 बजे चले जा रहे थे इसीलिए। तो पहली बार आए थे ताई जी भाभी ये लोग, तो ये लोग अभी जा रहे हैं नेक्स्ट डे। मम्मी पापा और दी रहेंगे आज के दिन, और मैं ताई जी और भाभी को भी रखने वाली थी बट नेक्स्ट डे ही बाबाई का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था इसीलिए वो लोग चले गए दोपहर के टाइम में। और बाबाई का तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, किसी का भी जाने का मन नहीं था ऑब्वियसली। सब लोग मिलके इतने मज़ा कर रहे थे ना हम लोग, क्या बताओ। फिर ये दोनों भाई का जो प्यार है, और बाबाई तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा रोया है क्योंकि उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट फिर भी उसका एग्ज़ाम है ना। लंच करके शाम के टाइम में मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ मिल रही हूँ जहाँ पे हम लोग गए थे दी के ससुराल में। आप लोग जानते हो कि दी के ससुराल भी जलपाईगुड़ी में ही हैं, बट दी की सास नहीं है, दी के सास गए हैं बॉबी के घर और दी के मासी सास थे, तो हम लोग गए थे उन लोगों के साथ बातें करने, क्योंकि मम्मी पापा यहाँ पे आए हैं तो एक लड़की के ससुराल में जाएंगे और दूसरे लड़की के ससुराल में ना जाए तो ये हो नहीं सकता है। तो सब लोग मिल के बातें कर रहे थे, और विहान का जो दादा है ना वो तो मिल गया था, उनके साथ फाइटिंग वगैरह जो भी है वो सब चल रहा था यहाँ पे। और वहाँ से चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग आ गए थे मेरे ससुराल में, और फिर डिनर विनर किया हम लोगों ने और अभी सोने की तैयारी है।
और ये व्लॉग मैं 3 दिन से कर रही हूँ। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम पे है ये क्लिप। और आफ्टर लंच दी सब पैकिंग वगैरह, नहीं आफ्टर लंच नहीं है, ये बिफोर लंच है, दी सब पैकिंग वगैरह कर रही है क्योंकि दी भी आज जाने वाली है, क्योंकि विहान का स्कूल जो है ना वो खुला है, ऑलरेडी 2 दिन हो गया है, स्कूल मिस हो गया है, तो दी को भी जाना है और सईकद्दा घर में अकेले है तो इसीलिए। और यहाँ पे माँ अपना स्क्रीन टाइम इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मैं गई थी लंच करवाने विहान को, तो दी भी थी। एंड इस टाइम पे ना विहान जब भी आता है मैं खिलाती हूँ विहान को, बट इस बीच में इस टाइम पे मैं कभी एक टाइम के लिए भी विहान को खिला नहीं पाई, तो इसलिए मैंने आज कहा कि तो आज वो जाने वाला है तो आज मैं ही खिलाऊंगी उसको। और मैंने बनाई थी फेवरेट पनीर और आज का पूरा लंच मैंने बनाई थी, ब्रेकफास्ट भी मैंने बनाई थी, ब्रेकफास्ट में मेरे मम्मी ने मुझे हेल्प किया था, बट लंच मैंने प्रॉपर मैंने बनाई है। उसके बाद लंच वगैरह करके दी विहान आ गए थे। मेरे हस्बैंड नहीं थे कि उन लोगों को बस स्टैंड पे छोड़ के आ जाए, बट हम लोग थे तो इसीलिए मैं और मम्मी आई थी, क्योंकि बस स्टैंड हमारे घर से बहुत पास है, इसीलिए तो मैं और मम्मी आए थे उन लोगों को छोड़ने के लिए, क्योंकि बैग लेके विहान को लेके दी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इसीलिए। और ये लोग भी चले जाएंगे ना तो घर बिल्कुल सूना सूना सा हो जाता है, सब लोग आते हैं ना, इतना मज़ा किया। मेरे ससुराल में तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे मायके वाले सब लोग इतने दिन तक रहे, तो मैंने तो बहुत मज़ा किया, सब लोगों ने बहुत मज़ा किया, तो एक एक करके जा रहे थे और मेरा मन जो है ना वो उदास होने लगा था। और विहान को यहाँ पे निंदी आ गया था तो विहान थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, बट मैं थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रही थी, बट फिर भी उसका मुंह जो है ना वो उतरा हुआ था। और विहान मुझे कहा था कि पॉपॉम तुम भी हम लोगों के साथ घर में जाओगे, तो मैंने कहा ना हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि विहान ना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करता है विहान, और उसको अकेले रहने से ज़्यादा ना उसको सबके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लोग भी चले गए हैं और मेरे घर में सिर्फ मेरे मम्मी पापा जो है ना वो थे। तो मम्मी पापा इस बार घर में ही थे, तो हम लोगों ने सोचा कि विशाल लेके जाऊँ, तो मम्मी को कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, बट सब कुछ मतलब सोच के नहीं आए थे कि क्या लेना है, एक दो चीज़ लेना है, बट हम लोग सब कुछ ना फिर से पहले से ढूंढ रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फिर मैंने सोचा कि बहुत देर घूम लिया बट कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को चाहिए नहीं। और मैंने सोचा कि अगर बाथरूम क्लीनिंग के यहाँ पे लेके जाऊँ ना, उस सेक्शन में मैं लेके जाऊँ इन लोगों को, तो इन लोगों बहुत वहाँ से कुछ खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो फिर मैं उन लोगों को लेके गई थी बाथरूम क्लीनिंग सेक्शन में, फिर से वहाँ से जो इन लोगों का शॉपिंग स्टार्ट हुआ वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोगों ने एक लंबा चौड़ा लिस्ट बना लिया था, हम लोगों ने कोई बैग नहीं लिया था क्योंकि सिर्फ एक दो चीज़ें लेनी थी, बट फिर ऐसा हो गया कि हम लोगों को 2 बैग लेना पड़ा विशाल से, हम लोगों ने इतना ज़्यादा शॉपिंग कर लिया था। और अभी आप लोगों से मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज मम्मी पापा भी चले जाने वाले हैं और ये सुबह के टाइम है 11:30 बजे, ट्रेन थोड़ा सा लेट था इसीलिए 11:30 बजे वो लोग जा रहे हैं। तो हम दोनों ही जा रहे थे मम्मी पापा को सी ऑफ करने, और आज तो घर में कोई भी नहीं है, सब लोग आए, कितना मज़ा हुआ और सब लोग चले भी गए, ऐसे ही शायद होता है। तो इसीलिए प्रोग्राम करने का हमेशा एक चाह रहती है, एक इच्छा रहती है, क्योंकि एक प्रोग्राम ही है जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वरना तो आजकल होता ही नहीं है। तो फिर जो भी है हम लोग पहुँच गए स्टेशन में, फिर वो टिकट लेके आए हैं और अभी ट्रेन आने की देरी है, और ट्रेन आ भी जाएगा और मम्मी पापा चले भी जाएंगे।